खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग पनीर की सब्जी बनाएंगे, पनीर को फ्राई करके बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पर ऑयल रख दिए, गर्म हो चुका। अब इसमें हम लोग पनीर को ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड थोड़ा हम जल्दी में दिखा रहे हैं आपको वीडियो, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, खाने का भी टाइम हो चुका है, तो पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि जितना भी दिखा रहे हैं उतना में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। तो चलिए हम लोग इसे फ्राई कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको, कौन सी रेसिपी पसंद है, तो हम कोशिश करेंगे उस रेसिपी को बनाना। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग ने प्याज लहसुन टमाटर ऐड कर दिए हैं और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है। नमक भी इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि इस प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड प्याज अगर अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें लोग मसाला को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम मसाला ऐड कर दिए हैं। मसाले हम सिलबट्टे से पीसे थे तो सिलबट्टे वाला टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड अगर आपके पास भी ये सिलबट्टे उपलब्ध हैं तो आप चाहें तो सिलबट्टे से पीस सकते हैं। ऐसे गरम मसाला अगर इसके ऊपर से हल्का सा डालना चाहते हैं तो पैकेट वाला ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। साइड साइड से जब तेल छूटने लगेगा तब इसमें हम लोग पनीर को ऐड करके 2 मिनट पनीर को भी भुनेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से, मसाले का फ्लेवर पनीर के अंदर चला जाए और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से अगर आप सब्ज़ी बनाइए तो पनीर को इसमें फ्राई करके तो काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और चलिए हम यहाँ पर पनीर को ऐड कर दिए हैं और इसे भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ में, और फिर इसके बाद हम लोग पानी को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड आप बताइए मेरे वीडियो कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आपको ऐड कर लीजिए पानी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम लोग इसे सर्व करेंगे, एक हाफ मिनट और इसके कुक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसका देखिए कितना अच्छा टेस्टी दिख रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सब्जी बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सा ख्याल रखिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।